हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम जूनियर के साथ एक इंट्रैक्शन वीडियो करने वाले हैं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जूनियर से और जूनियर उसका जवाब देने वाले। सबसे पहले इंट्रो करवाते हैं सबसे। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सो हेलो गाइस, माय नेम इज देव त्रिपाठी। अच्छा, आई एम फ्रॉम मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। हेलो गाइस, आई एम अंशु असिया, आई एम फ्रॉम कानपुर। हे गाइस, आई एम आकांक्षी फ्रॉम मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। हेलो, आई एम वेदांशी फ्रॉम ओरे, यूपी। Hi everyone, my name is Anushka Singh and I am from Bihar. Hi everyone, I am Vidhi from Ghaziabad. तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, why Galgotia College? देव से। भाई मुझे IIT बॉम्बे मिला था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन मैं Galgotia के सामने छोड़ दिया हूँ, क्योंकि देखो मुझे Galgotia के सामने और कुछ नहीं चुनना था, because it is best. मिला ही यही था तो ऑप्शन मेरे पास यही बचा कि ठीक है Galgotia। दूसरे कॉलेज मैंने अप्लाई नहीं किया, मेरे दोस्त ने कहा अच्छा है तू ले लिया। बेसिकली मेरा एडवांस क्लियर नहीं हुआ था 4 मार्क्स से, तो फिर मैंने बहुत सारे कॉलेज विजिट किए, तो फिर मुझे गूगल पे विजिट किया लाइक GL बजाज, KIT गाज़ियाबाद, लेकिन मुझे सबसे अच्छा Galgotia लगा क्योंकि यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को जब विजिट किया। बेसिकली मेरा जो सिलेक्शन था वो VIT चेन्नई में हो गया, तो वहाँ EEE ब्रांच मुझे मिली थी, बट पेरेंट्स थे तो कुछ नहीं जाने दिया, इस चक्कर में मैंने Galgotia ही लिया। फिर मेरे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था वो Galgotia का था, और पेरेंट्स भी यही चाहते थे इसलिए। मेरे पास ऑप्शन तो फॉरेन का था। अच्छा। बट मेरे को लगा ये पास है तो यही ले लेते, तो फिर ये ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देव, आपका फर्स्ट डे कैसा रहा और कोई स्टोरी? फर्स्ट डे तो ठीक ही था, बस यहाँ के टीचर परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं, और फिर भी अच्छा गया जैसा गया। असाइनमेंट प्रैक्टिकल तुरंत आते ही इन्होंने दे दिया है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और लो भाई तुम आगे प्रोसेस चालू करो। फर्स्ट डे बहुत अच्छा गया था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना अच्छा जाएगा, आते थे दोस्त बन गए, टीचर की मौज ले ली। अच्छा। तो टीचर अभी भी याद देखते कहता है तुम वही हो मेरे, तो मैं उनके हिट लिस्ट में शायद अब चढ़ गया हूँ। फर्स्ट डे में पहले तो मैं सोच रही थी कि लाइक गूगल मैप पे सर्च करना पड़ेगा क्लासेस कहाँ पे मिलेगी, लेकिन क्लासेस आते ही मिल गई। फिर क्लासेस में कोई बच्चे नहीं थे, मैं अकेली लड़की बैठी थी, तो फिर मैं सोच रही हूँ यहाँ पे तो मैकेनिकल वाला केस बन गया। फिर आई एक दो लड़की, पर ठीक था, अच्छा था, ठीक सा रहा दिन, मतलब ऐसा कोई अनकॉमन चीज़ तो नहीं, बट अच्छा रहा। फर्स्ट डे अच्छा था, हम लोग को अलग बैठा दिया गया था और सीट नहीं थी बिल्कुल भी, तो तीन तीन लोग एक सीट पे बैठे थे। ओए खिसक ओ खिसक थोड़ा सा उधर, बस यही था एक ड्रॉबैक, बाकी सब ठीक था। फर्स्ट डे बोरिंग के साथ इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि लड़के बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, हम लोग बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे, और स्पेशली 4 घंटे का जो मैं मोटिवेशनल स्पीच मिला है ना, ओ गॉड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट फैकल्टीज एक्सपीरियंस विद फैकल्टीज। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आई स्पेशली वॉन्ट टू सजेस्ट RK पांडे सर फॉर मैथ, ही इज़ वेरी बेस्ट टीचर एंड नथिंग एल्स अबाउट। फैकल्टी इज़ गुड, बहुत सही है, दे आर फ्रेंडली एंड दे आर हेल्पफुल ऑल्सो। फैकल्टीज अच्छी है बेसिकली, पर बहुत सारा असाइनमेंट दिया था फर्स्ट डे में ही। फैकल्टी बहुत अच्छी, सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है, उनसे कुछ भी कहो वो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते कोई भी चीज़ हो तो। हाँ फैकल्टी बहुत अच्छी है, बस एक मैथ्स वाले सर थोड़े से अजीब लगे मुझे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत डराते हैं, बस बाकी सब ठीक है। फैकल्टी ठीक है, और सबसे बेस्ट पार्ट फैकल्टी का कि हमारे क्लास कोऑर्डिनेटर सबसे अच्छे हैं, गौरव सिंह सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन कॉलेज कैंपस? कॉलेज कैंपस में मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बस प्रैक्टिकल लैब, बिकॉज मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकली चीज़ें करना समझता हूँ, और इंजीनियरिंग में हर आदमी को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और प्रैक्टिकली करना चाहिए। चाय ज़्यादा अच्छी है यहाँ की। बाकी और मुझे यहाँ पे सब नॉर्मल है, चाय ज़्यादा अच्छी है कि मूड ख़राब हो तो जाके चाय पी लो बस। यहाँ पे मुझे एक डॉगी बहुत अच्छा लगा। यहाँ की मुझे जो मेरी रूममेट सबसे अच्छी वही लगी मुझे, एंड सी इज़ भाव्या, ईसी फ्रॉम ईसी ब्रांच। यहाँ का सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है और बहुत पीसफुल भी। सबसे बेस्ट मुझे लगा बास्केटबॉल कोर्ट, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग इन वन वर्ड देव। ढेर सारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट, 75% अटेंडेंस, और लाइफ एकदम बेकार।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कटेगा बहुत बुरा। मुंह चुप करके सन से क्लास में बस ऐसे बैठ जाओ अटेंडेंस के लिए। टाइम कम होने पर भी पढ़ो। इंजीनियरिंग इज रियलिटी, रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। सही है, बस समझ नहीं आ रहा क्या बोल। बस इंजीनियरिंग इज एवरीथिंग, क्योंकि सब वही कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। फ्लो में आ गए, गो विद द फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग हॉस्टल एंड मेस फूड। मेस फूड देखो, मेस फूड में गोभी की जगह आलू देते हैं, आलू की जगह गोभी, दाल की जगह पानी और पानी की जगह दाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चावल तो ऐसे देते हैं जैसे क्या ही बोलूं मैं। रोटी को आप या तो दांत से तोड़िए या पत्थर से तोड़िए, दोनों बराबर है। मैं तो घर से लेके आता हूँ। मैं आउटर एरिया में रहती हूँ। हॉस्टल तो फिर भी ठीक है, मतलब पैसा इतना दिया बट दिया कुछ नहीं, गद्दा बाल्टी भी हम ही लेके आए थे अपने घर से। प्रैंक हो गया आपके साथ। और मैस में पाव भाजी कहाँ बनाएंगे, भाजी का दाल दी थी उन्होंने। हॉस्टल्स को तो रेटिंग नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन रूममेट्स की वजह से मैं अपने हॉस्टल को 4 रेटिंग दूंगी और मैस को तो बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, आउट ऑफ 5। अंडर कंस्ट्रक्शन है बालकनी, तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो रखा है उसका, लेकिन कोई भी गिर सकता है, इनफैक्ट वो धस भी सकता है, बट मैस तो सुपर बैड है, उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू आर एन इंजीनियर व्हाट विल यू बी। मैं तो मोमोज वाला ही बनता। लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं, फायदा नहीं किया तुम्हें, गलती से आ गया तो गलती से। उससे ज्यादा ही पैसा कमा लेता, या तो फिर मैं सब्जी का ठेला डालता, क्योंकि उससे और ज्यादा पैसा कमा लेता। क्योंकि मैंने एक बार देखा था, एक ऑटो वाला 700 रुपए रैपिडो से कमा रहा था, और उसकी ओरिजिनल अलग से 1300 थी। टोटल उसने टर्नओवर पर डे का किया 2500। इस हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर लिया 90,000। वो तो इंजीनियर से ज्यादा कमा रहा है। सो मैं तो यही प्रेफर करूंगा, ऑटो वाला ज्यादा बनूं। चाय वाला 25,000 रेंट दे रहा है। हम तो सोचा चाय का यही खोल लें, यहाँ पे कई सारे चाय 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 चाय। क्लास में भी डिस्ट्रीब्यूशन का खोल ले। फिलहाल तो बस फर्स्ट ईयर में पास हो जाऊं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। सिंगर रहती मैं, शायद कुक रहती, कुक शेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो इन कॉलेज। देखो, इंजीनियरिंग में अगर तुम गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सोचते हो तो नामुमकिन है, क्योंकि इंजीनियर हमेशा सिंगल आता है और सिंगल जाता है इस कॉलेज से, कोई भी कॉलेज हो, और उसकी रेशियो 10:90 रहती है लड़कियों की क्लास में। मैकेनिकल की हो तो तुम अनएक्सपेक्टेड है। कॉम्पिटिशन शुरू होते खत्म हो जाता है। पहले कुछ ऑलरेडी बाहर से होके आती हैं और फिर अंदर वाले का मन नहीं होता है। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। बिल्कुल सही है। मुझे तो फर्स्ट डे ही लगा था कि यहाँ पे बिल्कुल मैकेनिकल वाला सीन है। लड़की तो आगे बहुत ही ज्यादा देखने में अजीब ही लगता है, क्राउड तो बहुत ही बुरा है। बॉयज पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, कोई भी अच्छे नहीं लगे मुझे। बहुत ही लीस्ट इंटरेक्टिव, इतने बोंदू से लड़के नहीं देखे। और दूसरी बात, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो खुद से भी बात नहीं करते, दूसरों से क्या ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द बिहेवियर ऑफ सीनियर टुवर्ड यू। देखो, मैं सीनियर यूनियर से तो डरता नहीं हूँ, बाकी मुझे सारा एक्सपीरियंस ठीक लगा। सीनियर आते ही पहले दिन रैगिंग ले रहा था, लेकिन 2.5 लाख का चार्ज सुनते ही उसने रैगिंग को छोड़ दिया। और लाइफ में रैगिंग होनी चाहिए और सीनियर से इंटरेक्शन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे CGPA मेंटेन करने में उनका भी हाथ होता है। सीनियर्स वर गुड, आज बस एक से लड़ाई हो गई, बाकी तो गाइडेंस हेल्प एंड सब कर रहे थे। अभी तक एक बार ही इंटरेक्शन हुआ है, पर सीनियर्स ठीक है। सीनियर्स आर सो चिल एंड मस्ती टाइप हैं ऐसे तो। बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट मुझे जो एक मिली है वो कोई नूर है, बस इतना पता है। हाँ, जो हमें मिली है सीनियर भाभी दीदी, शी इज बेस्ट, वो हमें चिल करती है, मजे करती है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूट गर्ल और 10 CGPA फॉर तुम्हारे लिए। देखो, मैं तो 10 CGPA ही करूंगा,
क्योंकि अगर अगर टेंसिज झूठ नहीं झूठ बोल रहा है, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ अगर इंजीनियर हूँ तो 10 CGPA ही लूंगा। क्योंकि देखो मेरा मानना है कि 10 CGPA मेंटेन करके तुम माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में जा सकते हो और वहाँ तुम्हें हो सकता है आगे जाके और क्यूट लड़की मिल सकती है, लेकिन तुम कोशिश ये कर सकते हो कि हमेशा पैसे के पीछे जाओ, पैसा आपको लाइफ देगी। 10 CGPA ओनली, ओब्वियसली 10 CGPA। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटिंग सीनियर और बैचमेट? प्रेफर तो सीनियर ही करूंगा राजा जी। देखो ऐसा है कि कॉलेज लाइफ आपको एंजॉय करनी चाहिए, स्कूल में तो हमेशा आपको बाउंडेशन रहती है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं तो मेरे मन में यही था कि मैं हमेशा सीनियर को ही डेट करूं। दोनों को ही कर लेंगे, कोई तो मिले। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कोई भी नहीं, बिकॉज सबका कटता है रिलेशनशिप में। नो वन, कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिब्रिटी वुड यू लाइक टू इनवाइट इन फ्रेशर्स पार्टी? देखो तुम जो सुनना चाहते हो वो नहीं बोलूंगा मैं। और जनरली मैं तो अपनी फेवरेट एक्टर को ही बुलाऊंगा जो कि है कीर्ति खरबेंडा, और मैं उससे बहुत ज्यादा मतलब शी इज माई फर्स्ट क्रश एंड लास्ट क्रश। मैंने सोचा नहीं, कोई भी आ जाए ठीक है, बाकी एक्सपेक्टेशन तो कुछ और ही थी। यूट्यूबर रचित रोजा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सेलिब्रिटीज में। आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या घर को मिस कर रहे हो या फिर यहीं पे मन लग रहा है? मन तो बहुत लग रहा है, लाइफ बहुत अच्छी बीत रही है, घर को मम्मी को याद कर रहा हूँ, लेकिन पैसे के आगे सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ में हमेशा किसी प्लेस को छोड़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बस यही कहना चाहूँगा आपसे। मम्मी पापा भी साथ हैं। होम सिकनेस ऑब्वियसली, शुरू शुरू में थोड़ा बुरा लगता था, बट अब रूममेट्स मिल गया, फ्लैटमेट्स मिल गया, तो इतना बुरा नहीं लगता है, बट समटाइम्स कभी कभी आती है, बहुत याद आती है। 1500 किलोमीटर दूर रहना बहुत मुश्किल है, यहाँ 50 किलोमीटर दूर रह के भी याद आती है, सो 3-4 बार कॉल करके काम चल जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, रिक्रिएट अ मीम। कर दूं, ये अच्छी लग रही है। कैसा लगा मेरा मजाक? कॉलेज का अकॉर्डिंग नहीं, कुछ भी मीम है ना जो दे रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ से देखना सारे बच्चों का प्लेसमेंट होगा लाइन से 100%। मम्मी मुझे टॉफी खानी है। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? 150 रुपया देगा। 150 रुपया देगा। यहाँ देख 80,000 के सोचे, 80,000 के तेरा घर जाएंगा इसमें। पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है ओवर, और जूनियर से इंटरेक्शन करने करके बहुत अच्छा लगा, और सभी ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैसे जूनियर के लिए थैंक यू इंटरेक्ट करने के लिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।